Hello, my lovely students. Hello, my all viewer. I hope कि बहुत अच्छी तैयारी हो रही होगी आप लोग की और फटाफट अगली कड़ी में फ्रीजल वर्ब की मेरे साथ आई और क्वेश्चन करते हैं. और I hope कि आपने पीछे के सारे वीडियोस देखे हैं, प्रैक्टिस सेट बनाए हैं, इस अगली कड़ी में जुड़ेंगे मेरे साथ. और फ्रीजल वर्ब आज हर एक एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जितने फ्रेजल वर्ब मुझसे मैक्सिमम हो सकते हैं मैं आपके साथ शेयर करूँ. और जितने भी ये मैं क्वेश्चंस ले रही हूँ, ये बकायदा क्वेश्चन सेट है आपके लिए कि इनको मैंने आपके साथ कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, आपको कुछ मोर देन एग्जाम्पल्स करने हैं. और आप जितनी ज्यादा तैयारी करेंगे आप सबके रिजल्ट उतने अच्छी तरीके से क्रैकिंग होंगे. बहुत जल्दी जल्दी हिट करें और कमेंट बॉक्स में मुझे लिखते जाए. चलिए शुरू करते हैं. आ जाइए. द एयरक्राफ्ट क्रैश्ड एंड फ्लेम. द एयरक्राफ्ट किसका एक एयरक्राफ्ट है, एक विमान है जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया है या उसमें आग लग गई है. तो यहाँ पे फ्लेम का मतलब क्या है? आग, आग का लगना. या बहुत तेजी से दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, एक जहाज है जो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है. ब्रस्ट इन, ब्रस्ट ऑन, ब्रस्ट इन टू, ब्रस्ट आउट. द आंसर इज फ्लेम. बुझाने की बात हो रही है, आपको बुझाने के लिए फ्लेम जब भी इस तरीके से बर्निंग होएगा, जहां पे भी फ्लेम से रिलेट हो रहा है. द एयरक्राफ्ट क्रैश्ड एंड द फ्लेम्स. बहुत तेज आए, आग लग चुकी है या फायर हो गया पूरी तरीके से. वहां पे हम लोग यूज कर रहे हैं ब्रस्ट इनटू. तो आपको सबसे पहले कि सबसे ज्यादा कनेक्टेड कौन है, उस वोकैब को यहाँ फिट करना है. और मैंने पीछे जितने भी फ्रेजल वर्ब के वीडियो आपके साथ विद वोकैबुलरी, हर एक वोकैब्स को फ्रेजल वर्ब की फॉर्म में मैंने डील किया है. इसलिए पीछे के वीडियो जरूर देखें, नहीं देखा तो पहले पीछे के वीडियोस देखें एंड देन इस सेट को मेरे साथ बनाएंगे. और इस तैयारी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपका टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक है कि टाइम कितना अच्छा मैनेज करते हैं. नेक्स्ट वन पे आइए. फायर, फायर डज ड्यूरिंग द नाइट. आग कब लग रही है? रात में लगी हुई है, आग लग गई है बहुत तेज. तो फायर ड्यूरिंग द नाइट, इसका मतलब सीधे कि ब्रोक आउट. अभी इससे पहले मैंने पिछले में जब किया था और पीछे जब वो कैप्स पढ़ाई है तो वहां भी ब्रोक आउट आपको बताया है. पिछले सेट में भी ब्रोक आउट को यूज किया गया है. फायर ब्रोक आउट ड्यूरिंग द नाइट, यानी रात के समय में क्या हुआ है, आग लगी हुई है, फायर लगा हुआ है. तो वहां पे हम लोगों ने ब्रोक आउट, ब्रोक अप, ब्रोक इनटू, ब्रोक ऑफ, इनके मीनिंग आप प्रेजेंट वर्ब की कड़ी में देखेंगे. और प्लीज एक स्लोगन आप सबके लिए है, टाइम एंड टाइड इज अ वेट फॉर नन, इट इज अ रियल पंक्चुएशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग. सो प्लीज अपने टाइम को मैनेज करिए. आपका टाइम मैनेजमेंट आपको सक्सेस की बहुत करीब ले जाता है. और जितने भी लोगों ने अपनी सक्सेस की जर्नी अचीव की है, उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा रहा है. और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहेंगे. प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए. नेक्स्ट वन देखेंगे. फायर, फायर फाइटर सून डाज द फायर. क्या बोल रहा है? फायर फाइटर सून, बहुत जल्दी आएंगे जो अग्निशामक, जिसको हम लोग बोलते हैं या दमकल बोलते हैं हिंदी में, बहुत जल्दी आएगा. तो क्या करने आएगा? आग लगी हुई है तो आग बुझाने आएगा. पुट आउट, यहाँ पे हम लोगों ने पुट ऑफ, पुट ऑन, पुट ऑन मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है. वेट बढ़ जाना तो पुट ऑन, ओके. एंड पुट ऑन को हम लोगों ने
और भी यूज किया था, पहचान कर लीजिए। तो वहां पे याद होगा अगर आपने पीछे देखा है तो पहचान पुछ पुछ ऑफ। ओके, तो इसको यूज करने यहाँ पे पुछ ऑफ फायर फाइटर सून द फायर, अग्निशामक जल्दी ही पहुंचेगा। क्या करने पहुंच रहा है? आग बुझाने के लिए दमकल बहुत जल्दी ही पहुंचेगा। पुच आउट यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग, फायर फाइटर सून पुच आउट द फायर, बहुत जल्दी से दमकल आने वाला है आप पे कंट्रोल करने के लिए, तो इसे पुच आउट। ओके, नेक्स्ट वन देखेंगे। इसका एक मैंने आपके लिए टास्क दिया है, इसको मैंने पीछे बढ़ाया है पिछले वीडियो में, द फ्रेजल वर्ब बैक आउट प्लीज। आप सब की एकदम टंग पे होना चाहिए और मुझे कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए बैक आउट। और अभी तो ट्रेंड चल रहा है बैक आउट का, जहां देखे वही बैक आउट यूज हो रहा है। तो एक क्लू है आप सबके लिए, बैक आउट बायकॉट मूवीज का हो रहा है तो आपको समझ आना चाहिए कि इट्स अ हिंट फॉर यू। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट लिख के देंगे बैक आउट मीन क्या है इन अ फ्रेजल वर्ब की कंडीशन में। और जितने आप इसको, जो मैं बार बार आपको बोल रही हूँ, ये रेपिटेशन का मीनिंग है कि आपके यहाँ पे फटाफट सेट कर देना मुझे माइंड में। और जितनी अच्छा आप रिमाइंडर करोगे, जितना अच्छा आप रिवीजन करोगे, उतनी अच्छी तैयारी होगी। और प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे चैनल को। नेक्स्ट वन देखिए, हम सीजन की बात कर रहे हैं, हम वेदर की बात कर रहे हैं। जब वेदर या क्लाइमेट चेंज होता है कहीं का भी, मैंने यहाँ पे कश्मीर के लिए लिया है, बेहद खूबसूरत इंडिया की जगह है वो, इतना सुंदर से तो जन्नत ही कह दिया गया है। तो मैंने यहाँ पे विंटर यूज किया, विंटर डैश अर्ली इन कश्मीर। सर्दियां जल्दी ही शुरू हो जाने वाली है, कहाँ पे शुरू हो रही है, यानी एक मौसम चेंज होने की बात हो रही है कि बहुत जल्दी मौसम बदल जाएगा। अब इंडियन आइडल देखने वाले सारे बच्चे बोलेंगे माम नेहा कक्कड़ और वहां तो इमेज रेजमिया ही कहते हैं मौसम बदल गया, और आप यहाँ भी लेके आ गए मौसम बदल गया, विंटर अर्ली इन कश्मीर। इन दैट मीन सेटिंग, सेटिंग का मतलब वेदर जल्दी ही चेंज होने वाला है। तो यहाँ पे हमने सबसे नियर अप्रोप्रिएट आंसर को फिल किया है सेटिंग, that's it, set on, set off, sets out, इनकी मीनिंग डिफरेंट है। आप फ्रेजल वर्ब में देखेंगे set in को हमने सबसे appropriate, आप में से जिनको भी स्क्रीनशॉट लेना है फटाफट ले लीजिए और कनेक्ट रहिए मेरे साथ। set in, winter set in early in Kashmir, बहुत जल्दी वहां पे सर्दियां आने वाली हैं। फिलहाल तो सर्दियां भयानक चल रही है, स्नो इतना ज्यादा स्नोफॉल है कि ओ माय गॉड, बहुत ही ज्यादा कोल्ड, फ्रीजी कोल्ड है। तो वहां की हवाएं जादू है में, कम ऑन द विंड डैश द कैंडल। देखिए हवा, अब इस हवा पे तो इतने गाने बने हैं, ओ माय गॉड, सॉन्ग ही सॉन्ग है कि ये हवा तो चली, हाँ सांस ले हर कोई। तो चलिए द विंड द कैंडल, यहाँ पे ब्लो हो रही है, कैसी हवा चल रही है, कैंडल लगा है, तो एक क्ल्यू है। देखिए हर एक क्वेश्चन एक क्ल्यू छोड़ रहा है, ये चीज ध्यान रखना है। द विंड द कैंडल, हवा चल रही है तो मोमबत्ती क्या होगी, बुझ जाएगी ना। तो यहाँ पे हम लोगों को ब्लो अवे, ब्लो अवे, ब्लोन आउट, ब्लू आउट। तो यहाँ पे मैंने ब्लो आउट यानी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को फिल किया है द विंड, हवा चली, द ब्लोन आउट द कैंडल, हवा चली तो मोमबत्ती क्या हुई, बुझ गई। जैसे ही हवा चली
कैंडल बुझ गए। यहाँ पे ब्लोन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ब्लू अवे, इसका मीनिंग देखेंगे, ब्लोन अवे होगा ही नहीं, तो अप्रोप्रिएट आंसर हमारे पास क्या था, ब्लू आउट, हवा चली और मोमबत्ती बुझ गई। तो इस तरीके से आपको अटेम्प्ट लेना है। और मैक्सिमम देखिए आज की डेट में फ्रीजल हो की मांग इतनी ज्यादा हर एक एग्जाम में भर भर के आ रहा है, स्पोकन इंग्लिश को मॉडर्न बना रहा है। अगर कुछ हाई फाई करना है तो वहां पे आपको कुछ हाई फाई करना पड़ेगा। तो फ्रीजल वर्ब की इस कड़ी में सब के सब कनेक्ट रहेंगे। यू गए और यू आए, और लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।